कि आप अपनी समस्या का एक ज्ञापन बना लें, चार से पांच व्यक्ति जो आपको रिप्रेजेंट करते हो, जिनको आप पे भरोसा हो, उनका नाम हमको दे दे। कंप्लीट कर लूं, आप जिस डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं वो अनुशासन वाला डिपार्टमेंट है। आप आएंगे तो हमारे लिए काम करेंगे, हमारी ताकत बढ़ेंगे, हमारे लिए काम करना आपको है उत्तर प्रदेश पुलिस में। मेरी बात कंप्लीट हो जाए, आपकी जो बात है उसको एक ज्ञापन में बना लें, चार से पांच व्यक्ति जिन पे आप पूरे लोग ट्रस्ट करते हो उसको रेडी कर लें। हम उनको संबंधित लोगों से मिलाने का प्रयास करेंगे ताकि आप अपनी बात करें और उनसे जो आप अपनी बात करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक वार्ता नहीं होगी कोई बात, ठीक है, आप आए हैं, आपकी समस्या है तो समस्या का निदान होगा, वार्ता के माध्यम से होगा। तो मैं चाहूँगा कि जो भी विवेक जी यहाँ पे हैं, जो भी नवीन सर हैं, मैं चाहूंगा एज सुन एज जितनी जल्दी हो सके अपना मान लें। अभी वो सब लोग जो प्रतिमंडल बनेगा, अभी वो पार्क प्रतिमंडल अगले 10 मिनट में बने, वो वार्ता करने जाएगा। और ये रास्ता मतलब यही होता है वार्ता का रास्ता, अधिकारी यही है, ठीक है, समझ रहे हो? तो अच्छे लोगों को भेज देते चिर पड़ो, समझ रहे हो बात? यहाँ सब मित्र कोई अपने आज मसद को पूरा करने नहीं आया कि यहाँ पे मैं क्रेडिट लेने आया हूँ, समझ रहे हो बात? कैसे बात होगी, क्या यहाँ से आवाज पहुंचेंगी इसके? क्या इतने सारे ऐसे लोग बात करते हैं सर? उन्होंने कहा बच्चों जो जिन पे आप भरोसा करते वो पहुंचोगे, आराम से जाएंगे, बात के अपने हाथ में देखे ये चल रहा है। तो अब आप एक बार देना यहाँ से जाए, आप मेरी वर्दी ले चुप रहना एकदम, तो जब ये सुधारो ट्रीटमेंट में काम करना है आपको, उसके लिए सर लोग सीन हो गए ना, चाहिए तुम जाओ ऐसी बनी हुई थी, चलिए भैया सही रहो। सुनिए सर, नहीं ऐसा मत समझे, किसी के काम हम लोग नहीं करेंगे, नाम आप बताएंगे अरे बालों।